शामली में विकास पर चर्चा का आंखों देखा हाल, अखिलेश ने तस्वीर देखकर कह दी ऐसी बात, सुनेंगे तो होंगे हैरान। शामली नगर पालिका में बैठक के बीच भिड़ गए दो सभासद, चलने लगे लात और घूंसे, वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो सामने आने पर अखिलेश ने निकाला निष्कर्ष, सबको दी ऐसी सलाह, ऐसा लगा ये तो सीधा योगी परिवार। इस दृश्य को देखकर क्या लग रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, कहां से ऐसा जज्बा लेकर आए, इस महाभारत की आखिर वजह है तो क्या है। इस युद्ध को देखकर तो यही लग रहा है, लड़ाई के लिए जरूरी नहीं आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र हो, युद्ध तो ऐसे भी हो सकता है। वीडियो में देख लीजिए, इधर से भी दे दनादन हो रहा है, उधर से भी हाथ की आजमाइश हो रही है। जिस जोश के साथ पीला जैकेट पहने ये वीर कुर्सी पर खड़े हुए थे, दोनों ओर से उस जोश की तो हवा निकाल दी गई। अंदर बवाल हुआ तो सोशल मीडिया इससे कैसे अछूता रह सकता था। भाई साहब लोग वायरल हो गए, वायरल होते होते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर गई तो उन्होंने इस पर कंक्लूजन देते हुए अपनी सलाह दे दी। मामला शामली नगर पालिका परिषद का है, यहाँ पर विकास कार्य को लेकर दूसरी बार बोर्ड बैठक की जा रही थी। बोर्ड बैठक नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल और आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी की मौजूदगी में हो रही थी। बोर्ड बैठक में पुलिस भी मौजूद थी। वहीं जब विकास कार्यों की मीटिंग चल रही थी उसी दौरान दो सभासदों के बीच विकास कार्यों को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों सभासदों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर अब अखिलेश की नजर पड़ी तो एक सुझाव दिया, लिखा, जब विकास कार्य हुए ही नहीं तो समीक्षा बैठक में और क्या होता, इसीलिए शामली में सभासदों के मध्य जमकर शारीरिक प्रहारों का आदान प्रदान हुआ। भाजपा राज का सबक, समीक्षा बैठक में अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करके आए। सीधी सी बात है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निष्कर्ष में इस बवाल की वजह योगी सरकार है। सीएम योगी के राज में अखिलेश को दिखता है ऐसा तो होता ही रहता है। इसी बीच अखिलेश की सलाह सबके लिए यही है कि अपने साथ ऐसी बैठकों में जाने से पहले लोगों को खुद की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लेने चाहिए। वैसे बताया जा रहा है कि बोर्ड बैठक में वार्ड नंबर 8 से सभासद अजीत निर्वाल अपने वार्ड की समस्या और पूर्व में पास हुए 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बात कर रहे थे। उसी दौरान वार्ड नंबर 2 के सभासद बॉबी के साथ विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे के ऊपर लात घूंसे चलने लगे। दोनों सभासदों के बीच हुई मारपीट के बाद बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया।